चलिए आज अपनी एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं। अभी तक आपने एनआईटी वाले काफी बच्चों से मिला, अब इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वुमेन्स जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है उसके भी कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा। उसके बाद जेएनयू, बीएचयू यानी जो एमसीए के टॉप कॉलेजेस हैं, आने वाले दिनों में आप उन सभी कॉलेजेस के बच्चों से मिलेंगे। तो अंजलि, सबसे पहले इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी वुमेन्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, इनफैक्ट आपका सेमेस्टर 1 भी हो गया है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये गर्ल्स के लिए कॉलेज है, तो आपका अपना खुद का क्या एक्सपीरियंस है इसको लेके? सर, सबसे पहले तो वेरी वेरी थैंक यू सर आपको और इम्पेटस की पूरी टीम को और मेरे भाई को सर बहुत मतलब थैंक यू, क्योंकि उसकी मतलब उसकी वजह से मैं इम्पेटस में भी आई और फिर आईजीटी में भी एडमिशन भाई की वजह से ही हुआ मेरा। और सर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 12 से। तो सर क्लास 12 में जब मैंने पास किया था तो सोचा था कि मैंने को मतलब ऐसा एक ड्रीम था कि करना बीटेक है और बनना इंजीनियर ही है सर। ठीक है। तो मैं क्या, भैया के फ्रेंड थे एक, वो उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया था, उनको एनआईटी इलाहाबाद मिल गया था, तो उनको देख के ना ऐसा मोटिवेट होता था कि हाँ मुझको भी कुछ करना है। तो मैं उनसे मतलब बहुत सारी हेल्प लेती थी कि भैया मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ वगैरह, तो उनसे मैं पूछती थी। तो 12th जब पास हो गया तो मैंने घर पे बताया कि मुझे भी आईटी की जे की तैयारी करनी है। तो घर वाले बोले कि ऐसा है अभी बीएससी कर लो, उतना पैसा नहीं है, कर नहीं सकते हैं, कुछ घर से ही करो कुछ जो भी करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मतलब स्कॉलरशिप का एक कॉलेज था तो मैंने वहाँ पे एग्जाम दिया था, स्कॉलरशिप मेरा वहाँ पे निकल गया था और मेरी पूरी 80% स्कॉलरशिप फ्री थी, तो मुझको सिर्फ 20% वहाँ पे पेमेंट करना था फीस ठीक है। कॉलेज का। तो मैंने प्राइवेट एडमिशन ले लिया सर बीटेक में ही वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे एक मंथ मतलब बीटेक कर भी ली थी, तो फिर बाद में पता चला कि कॉलेज वो अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह जो भी ऐसे बस वो प्राइवेट है, मतलब करने का कोई भी मतलब नहीं है बीटेक करने का। तो फिर मैंने एक मंथ के वहां से एडमिशन अपना कैंसिल करा ली सर, कुछ पैसे मेरे लॉस्ट हुए थे हाँ गए। तो फिर मैंने क्या किया, वहां से एडमिशन कैंसिल करा लिया, फिर घर पे आके मैंने बीएससी में नाम लिखवा लिया यहाँ पे घर पे। तो फिर मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट, फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लिया। फिर सोचा कि अब तो मतलब लास्ट ईयर चल रहे हैं, अब क्या करना होगा आगे, जो भी करना होगा डिसाइड तो पहले करना होगा। तो फिर मैंने बीएससी थर्ड ईयर में नाम मतलब हो गया, हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई घर से सब कुछ होती थी सर मेरी। ऐसे YouTube पे मैं चेक करती गई कि हाँ मैंने मैथ से मतलब बैचलर डिग्री में क्या था मेरा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था। तो अब मुझको एमएससी करने का कोई भी प्लानिंग नहीं था मेरे कि हाँ क्या करना है। मैंने YouTube पे सर्च किया कि मैंने मैथ्स तो लिया है तो अब आगे मुझे क्या करना होगा। तो फिर मैंने चेक किया हाँ मतलब एमसीए पहले सब दिखाया कि हाँ एमसीए कर सकते हो आप, उसमें जो भी होते हैं रिक्वायर कि हाँ आपके मैथ्स होने चाहिए 12th में बैचलर में। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, फिर पूछा भैया से कि भैया एमसीए करना चाह रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं। तो कुछ एक दो दिल्ली के कोचिंग आए वहाँ पे, फिर लखनऊ के आए, तो फिर मैंने उनके बारे में देखा हाँ ऐसे ऐसे हैं वहाँ पे, पढ़ाई क्या होता है मतलब कुछ भी मतलब ठीक ठाक था, बस बच्चे वहाँ पे हाँ इतने बच्चे निकाल लेते हैं लेकिन पढ़ाई किस तरीके से होती है, क्या उनका रूटीन है, कुछ भी मतलब एग्जैक्ट पता नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने देखा सर आपके वीडियोज तो मैं बहुत देखती थी, तो फिर मतलब आपके वीडियोज देखे हैं ऐसा मतलब स्पेशली एमसीए के लिए तो मैं वीडियोज नहीं देखती थी सर आपका, मतलब सिर्फ मैथ्स के लिए जब भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन फंस जाते थे तो आपके यूट्यूब पे देखते थे। तो हाँ सर ने मतलब पढ़ाने का तरीका ही बहुत अमेजिंग है, मतलब क्वेश्चन क्या है पहले उनको तो हटाई दो, मतलब उसको किस तरीके से सॉल्व करना है इजी तरीके से, मतलब कोई भी बच्चा अगर मैथ्स के क्वेश्चन को देखता है और सर के तरीके सॉल्व करता है तो उसके लिए वो सर हलवे रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियो मतलब यूट्यूब पे वीडियोज देखे मैथ्स के, हाँ कैसे कैसे क्या है। उसके बाद से मैंने फिर देखा कि सर के वीडियोज देख लेते हैं एमसीए में क्या है, कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपके सारे वीडियोज बहुत सारे देखे हैं। फिर मैंने भैया को बताया सर यहाँ पे सरस सर है भोपाल में रहते हैं और मतलब ये ऐसे वैसे वीडियोज इनके हैं, कॉन्सेप्ट इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। भैया कहा ठीक है ऑफलाइन देख लो, ऑनलाइन देख लो दोनों। तो फिर मैंने चेकिंग किया कि हाँ ऑनलाइन क्या है इनका और ऑफलाइन क्या है। तो भैया को बताया, भैया कह रहे ठीक है ऑनलाइन मत लेना, अगर पढ़ना होगा तो ऑफलाइन ही करना क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई हो नहीं पाती है सर। तो कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा लगे जो भी लगेगा तुम ऑफलाइन। तो फिर मैंने मतलब डिसीजन ले लिया हाँ, तो भैया कहा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने टिकट कटाया था और फिर हम लोग इम्पेटस के लिए निकल गए। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद से सब कुछ मतलब पूछ लिया था, प्रतीक सर सबसे पहले मिला था वहाँ पे, तो प्रतीक सर से भी बात बात हो गई हाँ, तो फिर सब कुछ डन हो गया हाँ इम्पेटस में रहकर पढ़ाई करनी है। तो फिर मेरा मन क्या सर 2 दिन के बाद से कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम जब मैं भोपाल गई थी। तो फिर भैया से कहा भैया ऐसा है मुझे पढ़ाई नहीं पाएगी मेरी, मेरे को घर ही जाना है सर, मुझे घर ही जाना है। तो फिर सर मैं घर चली भी गई थी, आपको बताई भी नहीं थी उस दिन, तो गुस्सा भी होता कि कैसे चले गए मतलब पढ़ाई के लिए डिसीजन। फिर गए मैं घर पे गई तो फिर भैया के सारे फ्रेंड्स मुझे मिलने आए, तो कह रहे हैं क्या हो गया कैसे क्यों घर पे आ गई तुम, उनको सारी बात बताई। कह रहे हैं कि देखो
यहाँ पे सर एक्चुअली ना ये गोरखपुर से सर अंदर बढ़लगंज 60 किलोमीटर पड़ती है हम लोग का जो मेरा घर है। तो सर यहाँ पे लोकेशन ऐसा है कि मतलब ज्यादा लड़कियों को मतलब पढ़ने लिखने का ऐसा कुछ भी नहीं करते कि आप पढ़ो लिखो लड़कियां हो क्या करोगे आप घर में ही रहते हो मतलब ज्यादा पढ़ लिख के भी क्या करोगे शादी हो जाएगी अपने घर चले जाओगे। तो फिर भैया कहा कि देखो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है तुम तो पढ़ने में अच्छी भी हो काफी पढ़ो लिखो आगे निकलो सोसाइटीज में देखती हूँ सब अगल बगल सबके घर में क्या है पढ़ लिख के वो लोग घर पे ही रहते हैं तुम पढ़ो लिखो तुम्हारा भाई साथ दे रहा है तुमको आगे तुमको बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने ये सब बात सोचा फिर कहा भैया ऐसा है मैं अब खुद जाऊंगी अकेले जाऊंगी अब मुझे जाना है और मुझे वापस नहीं आना है पक्का मैं साल भर तक नहीं आऊंगी भैया। तो फिर भैया कहा ठीक है अब जाओ डिसीजन लेना अब पीछे मत मुड़ना। तो फिर मैं वहां पे चली गई आराम से मतलब तैयारी वगैरह की। तो फिर ये हुआ कि फिर IGTU मेरा सिलेक्शन सर हो ही गया तो फिर उसके बाद से मैंने IGTU में भी सिलेक्शन ले लिया काफी अच्छा लगा सर मुझको बहुत। देखो अंजलि, वैसे मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। आपके भैया ने भी सपोर्ट किया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टफ थी, उसके बाद भी भैया ने आपको अपनी हिम्मत से भेजा, पढ़ाया, आप आज एक अच्छे कॉलेज में हैं, तो ये तो आपकी सक्सेस जर्नी है। पर अब मैं जानना चाहूंगा, कई बच्चे क्योंकि गर्ल्स स्पेशली जानना चाहती है, जब ये कोई सेशन देख रहा होगा, तो IGTU के बारे में बताओ कि अब आपको वहां पर कैसा लग रहा है, वहां पर आपके सीनियर्स के किस ढंग से प्लेसमेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट कोविड की वजह से आपने कॉलेज अभी तक नहीं देखा, कब देखोगे ये भी नहीं पता, पर आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा कॉलेज को लेके? सर एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम में IGTU में मतलब एडमिशन लिया था तो उस टाइम मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं था। हाँ कॉलेज अच्छा है प्लेसमेंट अच्छे होते हैं बस इतना ही पता था मुझको। तो फिर मतलब जब एडमिशन हो गया मेरे 1 महीने ऐसे चले गए कि हाँ कैसे क्या है फिर मतलब सीनियर से मिलना अटैचमेंट हुआ कि हाँ क्या होते हैं सीनियर सर काफी हेल्पफुल होते हैं मतलब जो भी पूछो जब भी पूछो ऐसा कुछ भी नहीं किया आप मुझे कब कॉल क्यों कर लिए कैसे कर लिए कुछ भी नहीं होता है वो हमेशा 100% आपके लिए खड़े होते हैं जब भी आप पूछो हर एक हेल्प करते हैं। तो बाकी मतलब 1 मंथ बीत गया 2 मंथ बीत गए फिर एग्जाम हम लोग के स्टार्ट हो गए मिड सेम के एग्जाम फिर ये सेमेस्टर एग्जाम भी होने लगे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा वगैरह टीचर सीनियर वगैरह से तो उन्होंने बताया कि हाँ काफी अच्छा है और सर स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है सर क्योंकि यहाँ सर प्लेसमेंट भी काफी NIITs के लेवल के सर हो जाते हैं अच्छे प्लेसमेंट है सर। और सर प्लेसमेंट के बारे में बताएं तो इस बार भी एक मतलब सीनियर दीदी है काफी अच्छी है उनकी भी प्लेसमेंट सर 25 लग गई है सर वीजा कंपनी में मेरी जिनसे बात होती थी और 21 में और 22 में भी सर अभी तो हाँ और 2020 बैच की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है ईशु दीदी को सब कुछ जानता है उनकी प्लेसमेंट सर हो गई है। चलो, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो अंजलि, अब आप IGTU में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी कंडीशंस काफी टफ थी, पर अब इस चीज को आपने सब फेस किया है, अब आप ऐसे अच्छा सा प्लेसमेंट लें, और जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो फिर से एक बार मैं आपका सेशन शेयर करूंगा कि देखो लाइफ में कैसे अपनी, हम अगर एक अच्छा डिसीजन ले लें तो लाइफ कैसे बदल सकती है। यस सर चलो, थैंक यू बेटा, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर थैंक यू।